नमस्कार दोस्तों, मोदी सरनेम से जुड़े मानहानि मामले में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किए गए अपने हलफनामे में राहुल गांधी ने कई बड़ी बातें कही है। राहुल गांधी ने सीधे सीधे मोदी सरनेम मामले में माफी मांगने से साफ इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि माफी मांगने का सवाल ही नहीं उठता है, अगर उन्हें माफी मांगनी होती तो वे ऐसा पहले ही कर चुके होते। राहुल गांधी ने अपने हलफनामे में कहा कि माफी नहीं मांगने पर उन्हें अहंकारी कहना गलत है। बता दे, सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी द्वारा जवाब दायर करने से पहले शिकायतकर्ता पुणेश मोदी ने कहा था कि राहुल गांधी को राहत देने का कोई आधार नहीं है, उनका आचरण अहंकारी घमंड भरा है। बिना वजह एक पूरे वर्ग को अपमानित करने के बाद भी उन्होंने माफी मांगने से इनकार कर दिया था। अब अपने हलफनामे में राहुल गांधी ने शिकायतकर्ता पुणेश मोदी पर आरोप लगाया है कि उन्होंने राहुल गांधी के लिए अहंकारी जैसे निंदनीय शब्दों का इस्तेमाल केवल इसलिए किया क्योंकि उन्होंने माफी मांगने से इनकार कर दिया है। राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपने जवाब में कहा है कि अपील सेशन कोर्ट में लंबित है, उसमें सफलता की संभावना भी है, इसलिए दोष सिद्धि पर सुप्रीम कोर्ट रोक लगा दे। उनका कहना है कि शिकायतकर्ता पुणेश मोदी ने सीधे तौर पर उनका बयान नहीं सुना था, मेरे मामले को अपवाद की तरह देख राहत दी जाए। राहुल गांधी ने कहा कि मानहानि केस में अधिकतम सजा के चलते उनकी संसद सदस्यता गई है। पुणेश मोदी खुद मूल रूप से मोदी समाज के नहीं है। राहुल गांधी ने अपने जवाब में कहा कि बिना किसी गलती के माफी मांगने के लिए राहुल गांधी को बाह मरोड़ने के लिए जन प्रतिनिधि अधिनियम के तहत आपराधिक प्रक्रिया और परिणामों का उपयोग करना न्याय प्रक्रिया का घोर दुरुपयोग है और इस अदालत द्वारा इसे स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। राहुल का कहना है कि उन्हें इससे पहले किसी भी केस में सजा नहीं मिली है, माफी नहीं मांगने के चलते घमंडी कहना बिल्कुल भी गलत है। अब राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट से गुजरात हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने की भी मांग की है। राहुल गांधी ने हलफनामे में कहा कि अपराध की मामूली प्रवृत्ति को देखते हुए इस केस को अपवाद माना जाए। उन्होंने यह भी कहा कि यह भी ध्यान में रखा जाए कि एक सांसद के रूप में उन्हें जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई नहीं हो सकती है, उनके बयान से याचिकाकर्ता को किसी तरह की हानि नहीं हुई है, ऐसे में उनकी सजा पर रोक लगाई जाए ताकि वह मौजूदा लोकसभा की बैठकों और आगामी सत्रों में हिस्सा ले सके। गौरतलब है कि मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी को सूरत कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई थी। कोर्ट ने इसी मामले में राहुल गांधी को दोषी पाया था और सजा मिलने के बाद राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता समाप्त हो गई थी, जिसके बाद राहुल गांधी ने हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में 15 जुलाई को चुनौती दी थी। इसके बाद सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पुणेश मोदी और गुजरात सरकार को नोटिस जारी किया था। अब इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है। जस्टिस बी आर गवई, जस्टिस पी एस नरसिम्हा और प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ पूर्व सांसद की याचिका पर सुनवाई कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों को 15-15 मिनट का समय दिया है। राहुल की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी पेश हुए हैं। इस सुनवाई के दौरान जस्टिस गवई ने सिंघवी से कहा है कि आपको सजा पर रोक के लिए केस को बेहद मजबूत करना होगा, आमतौर पर सजा बरकरार रहती है। सिंघवी का कहना है कि आज वे सजा पर बहस नहीं कर रहे हैं। वहीं आगे सिंघवी का कहना है कि पुणेश मोदी का मूल सरनेम मोदी नहीं है, उन्होंने इसे मोद में बदला है। मोदी के वकील महेश जेठ मलानी ने टोकते हुए कहा कि मोद नहीं मोदी है। सिंघवी ने आगे कहा कि गांधी ने, यानी राहुल गांधी ने अपने भाषण में जिनका नाम लिया किसी ने मुकदमा नहीं किया। दिलचस्प बात यह है कि 13 करोड़ के इस छोटे समुदाय से मुकदमा केवल बीजेपी के पदाधिकारियों ने किया, बड़ी अजीब बात है। अभिषेक मनु सिंघवी ने मानहानि कानून की आईपीसी की धारा 499 का हवाला देकर कहा कि कोई भी आरोप किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने वाला नहीं है जब तक कि यह किसी व्यक्ति के नैतिक या बौद्धिक चरित्र को कम नहीं करता है। दलील देते हुए वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि ये कोई अपहरण हत्या जैसे केस नहीं है, ऐसा काफी कम होता है जहां इस तरह के केस में 2 साल की सजा हुई हो। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट में लगातार दोनों तरफ से दलीलें दी जा रही हैं। अब सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी को कोर्ट से निराशा हाथ लगेगी या फिर कोर्ट उन्हें मिली सजा पर रोक लगा देगा। अगर कोर्ट ने राहुल गांधी की दोष सिद्धि की सजा पर रोक लगा दी तो उनकी संसद सदस्यता बहाल हो जाएगी। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट राहुल गांधी की सजा
पर रोक लगाता है या फिर क्या उनके सजा को कम कर देता है। लेकिन यदि इस केस में राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिल पाती है तो उनके लिए यानी उनके सियासी जीवन के लिए एक बड़ा झटका होगा। नियम के मुताबिक सजा पूरी होने के 6 साल बाद तक चुनाव लड़ने पर रोक रहती है। ऐसे में 2025 में उनकी सजा पूरी होगी और उसके बाद 6 साल तक वे चुनाव नहीं लड़ पाएंगे यानी 2031 तक वे चुनावी मैदान से दूर रहेंगे। वहीं दूसरी तरफ कोर्ट में सुनवाई के बीच ही कांग्रेस नेता राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा 2.0 की तैयारी में जुट गए हैं। यह यात्रा गुजरात से शुरू कर सकते हैं। राहुल गांधी की इस यात्रा का ऐलान अगस्त महीने के आखिर या फिर सितंबर में होने की उम्मीद की जा रही है। जैसा कि आपको बता दें कि साल के अंत में देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव को देखते हुए पार्टी इससे पहले यात्रा शुरू करना चाहती है। पार्टी में भारत जोड़ो यात्रा के दूसरे संस्करण को लेकर काम शुरू हो गया है। पार्टी नेताओं के मुताबिक राहुल गांधी 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी के जन्मदिन पर उनके जन्म स्थान पोरबंदर से यात्रा की शुरुआत कर सकते हैं। पोरबंदर से यात्रा का आगे रूट क्या हो इसको लेकर विचार विमर्श किया जा रहा है। पार्टी नेताओं को उम्मीद है कि अगर राहुल गांधी गुजरात से यात्रा शुरू करते हैं प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के गढ़ गुजरात में पार्टी को फायदा मिल सकता है। पार्टी ने जून महीने में गुजरात की कमान राज्यसभा सांसद शक्ति सिंह गोहिल को सौंपी थी। गोहिल को राहुल गांधी का करीबी भी माना जाता है। ऐसे में प्रबल संभावना है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 2.0 की शुरुआत गुजरात से हो। बता दें इस साल के अंत में देश के मिजोरम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना में विधानसभा चुनाव है। इसमें छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है। पहले चरण में भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान से गुजर कर जा चुकी है। ऐसे में इस बात की चर्चा हो रही है कि दूसरे संस्करण में यात्रा राजस्थान से होकर गुजरे या फिर यात्रा का रूट छत्तीसगढ़ से होकर आगे की तरफ जाए। इसको लेकर पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व में विचार विमर्श शुरू हो गया है। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता का कहना है कि अगर आखिर में किसी वजह से यात्रा की शुरुआत गुजरात से नहीं होती है तो भी राहुल गांधी की यात्रा शुरू करने से पहले बापू की भूमि को नमन करने जरूर आएंगे। उनका कहना है कि पोरबंदर से यात्रा शुरू करने का विचार काफी आगे के लेवल पर है। हमारी कोशिश भी है कि यात्रा की शुरुआत पोरबंदर से हो तो ये काफी अच्छा होगा। पोरबंदर के अलावा प्लान बी अहमदाबाद के साबरमती आश्रम भी रखा गया है। हालांकि भारत जोड़ो यात्रा 2.0 के रूट को फाइनल करने में टीम जुटी हुई है। टीम यह देख रही है कि कैसे अधिक से अधिक राज्यों को कवर किया जाएगा। अगर भारत जोड़ो यात्रा पोरबंदर से शुरू हो तो यह राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के जरिए आगे हरियाणा होकर आगे बढ़ सकती है। पहले संस्करण में यात्रा मध्य प्रदेश और राजस्थान से गुजरी थी लेकिन छत्तीसगढ़ छूट गया था। चर्चा है यात्रा को पहले गुजरात के पोरबंदर से शुरू होकर सीधे माउंट आबू यानी सिरोही जिले में प्रवेश कर उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा के इलाके से होते हुए रतलाम में प्रवेश करें और इसके बाद आगे बढ़ें। दूसरा विचार यह है कि यात्रा को गुजरात के अहमदाबाद से रवाना होकर राजस्थान के उदयपुर, चित्तौड़गढ़, कोटा, झालावाड़ से होते हुए मध्य प्रदेश में प्रवेश करेगी। इसके बाद वह छत्तीसगढ़ पहुंचेंगे। तीसरा विचार यह भी है कि गुजरात के अहमदाबाद से गोधरा, दाहोद होते हुए राजस्थान में करें और फिर मध्य प्रदेश से होते हुए छत्तीसगढ़ में प्रवेश करें। बता दें राहुल गांधी की पहली भारत जोड़ो यात्रा 12 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश से होकर गुजरी थी। इस यात्रा में कुल 3,570 किलोमीटर की दूरी तय की गई थी।